तो हे गाइस, दिस इज भाई प्रणवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो भाई लोग, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी जस्ट उठा हूँ तो पहले फ्रेश होता हूँ और फिर तुम लोगों से बात करता हूँ। A few minutes later. तो भाई लोग, मैं हो चुका हूँ रेडी और अब बस चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे और जाएंगे हॉस्पिटल। थोड़ा शोर तुम्हें आ सकता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये रूम है, रोड पे ही है, तो भाई गाड़ियाँ वाड़ी जाती हैं, सारी आवाज़ आती है। तो मेरी जो पोस्टिंग है वो भी मेडिसिन में ही है और हार्डली आई गेस 10 दिन बचे हैं, लास्ट के आखिरी के 10 दिन बचे हैं। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट पोस्टिंग होगी वो साइकाइट्री में होगी। तो सोचा मैं आके ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि जो लास्ट टाइम ने ब्लॉग बनाया उसमें लोगों ने बोला कि भाई आपने ज़्यादा ही बात खुद ही अपने बारे में बताया, खुद ही बात करी ज़्यादा ब्लॉग में, और जो अंदर की चीज़ें कम दिखाई हैं, जैसे अवार्ड करने दिखाया कुछ स्पेशल बस। तो सोचा इस बार मैं ट्राई करूँगा, अगर मौका मिलेगा तो मैं जो मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा, और अगर हो पाएगा तो उस ब्लॉग को अपलोड करूँगा, तो वैसे नहीं करूँगा तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मेरी कैसा कोई रोस्टर नहीं है, जो मेरी पीजी ने मेरे को बोला था कि आज मेरा 12 आवर्स की ड्यूटी है, तो पक्का नहीं है, देखते हैं वहाँ पहुँच के। कई बार मेरे मजे लेते हैं कि भाई जैसे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे ऐसा कैसा करके, तो अभी जाके लगेगा बता। पर हाँ, स्टार्टिंग में ओपीडी है और दैट इज़ फॉर श्योर। तो 2 बजे तक ओपीडी होगी, उसके बाद शायद वार्ड में जाऊंगा और बीच में लाइब्रेरी चला जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो फटाफट चाय पीते हैं और कुछ खाते हैं और निकलते हैं, तो मिलता तुमसे थोड़ी देर बाद। भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और अभी जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या है। एज यूजुअल राउंड चल रहा होगा और देखते हैं कैसे निकलें, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर जाके वहाँ पे ही। तो मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर बाद। अभी भजी हैं 3 और ओपीडी से फ्री अभी वो हूँ, तो अभी कुछ खाने जाते हैं। तो मेरे को इंटर्न है वो भी आएगा, तो फटाफट जाता हूँ और फिर आता हूँ वापस, क्योंकि ओपीडी में कुछ ज़्यादा दिखाने वाला था नहीं। जो एक्सरे वैक्सरे थे वो दिखाने की कोशिश मैंने करी है, तो हाँ इतना ही मैंने देखा है, तो वॉइस ओवर डाल दूंगा, देख लिया होगा तुमने ऑलरेडी। हमने खाना वाना खा लिया है और जो ये है मेरे को इंटर्न दोनों, तो हम 3 इकलौते को इंटर्न इंटर्न है बेसिकली जीएमसी कठुआ में। एक पीछे बैठी है चुपके भाई कड़ी, क्या बोलते हैं उसको, कैमरा शाय पर्सन है काफ़ी ज़्यादा वो। तो अभी हम जाते हैं अपने, मैं जाऊँगा मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जाएंगे पीएसएम डिपार्टमेंट में और तुमसे मिलता हूँ वहाँ पहुँच के। तो तो फ्रेंड्स, ये है हमारे सामने हेपरिन का इंजेक्शन। तो बेसिकली मैं यहाँ करने वाला हूँ एबीजी, और एबीजी करने से पहले हमें सिरिंज को हेपरिनाइज करना पड़ता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए। तो ये देखो पूरा प्रोसीजर। तो एबीजी का प्रोसीजर है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजंस। तो और ये है हमारे सामने एबीजी सैम्पलिंग मशीन। तो
सैंपल लेने के बाद हमें जो नीडल होती है सिरिंज होती है उसको यहाँ पुट करना होता है, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है कंप्यूटर में, और उसके बाद एट द एंड हमें कंप्यूटर खुद ही रिजल्ट दे देता है। पहले तो रात के बज चुके हैं 8 और अभी जा रहा हूँ वार्ड में, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो ड्यूटी मेरी थी नहीं ऐसी, उन्होंने मुझे बोला रुकने के लिए, तो रुक गया मैं। तो अभी जाता हूँ, अगर कुछ होगा दिखाना दिखाता हूँ। बाकी जो थोड़ी बहुत कोशिश मैंने करी बनाने की वॉइस ओवर के साथ, वो तुमने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो चलता हूँ, हो गया मैं आ गया हूँ, अभी जा रहा हूँ नीचे रिकवरी में और मोस्ट प्रोबेबली चला जाऊँगा रूम पे। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है, काइंड ऑफ 12 घंटे पूरे, एग्जैक्ट 12 घंटे तो नहीं, मेरे ख्याल से 9-10 घंटे हो गए मेरे को आए हुए। तो हाँ, हाँ भाई लोग मैं आ चुका हूँ घर पे और 15-20 मिनट मुझे हो चुके हैं ऑलरेडी आए हुए। लाइट थी नहीं और भगवान की दिवस से अभी लाइट आई है भाई। तो वीडियो की एंडिंग कर रहा हूँ मैं, पड़ोस में शादी भी, उसके थोड़ा शोर तुम्हें आ सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो भाई लोग यही था मेरा कुछ आज का दिन मेडिसिन पोस्टिंग का। तो पहले OPD में गया था, 3 बजे तक OPD में था, उसके बाद वार्ड रिकवरी वार्ड और नॉर्मल वार्ड में चला गया था। तो यही सब था, जो वो भी चीज़ें थी वो मैंने दिखाने की, जो भी दिखा सकता था यार वो दिखाने की कोशिश करी है। तो अभी तुम समझ सकते हो यार, इतना मतलब मेडिकल कॉलेज में इतना ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते यार, है ना। और पेशेंट भी दिखाना चाहता वो नहीं सही रहता, तो जितना जितना भी मैं बना सकता था उतना बनाने की कोशिश करी, उतना दिखाने की कोशिश करी है। मेरे को बोल रहे थे पिछली बार वार्ड की वीडियो ज़्यादा दिखाना, तो मैंने कोशिश करी है यार, जो जो चीज़ें दिखा सकता था दिखाई हैं। अब और क्या ही है, अब हफ्ता 10 दिन बचे हैं, और अगर मेरे को 24 आवर्स के लिए बोलते हैं तो मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो, और 24 आवर्स वाला पूरा दिन रिकॉर्ड करूँगा अगर मेरी ड्यूटी आती है तो, अदरवाइज़ नहीं आती तो नहीं बनाऊँगा। और मेरा जो इस 10 दिन बाद जो मेरी है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में जाएगी पोस्टिंग, तो देखते हैं तब का क्या होता है क्या नहीं। तो आई रियली होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ जाके फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पर जल्दी। और अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली है तो सब्सक्राइब कर देना नीचे और लाइक कर देना इस वीडियो को। आई रियली होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, देन अगर पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इफ यू वांट एंड टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।